हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर फोर ऑफ योर ज्योग्राफी पार्ट। आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एयर, पता है आपको एयर क्या होती है? एयर, जिस एयर में हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होती है जिसमें, है ना। एयर जो होती है, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर ऑन दिस अर्थ, कि जीने के लिए सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो एटमोसफेयर पर, हमारी अर्थ पर जो एटमोसफेयर है उस पर डिपेंड करते हैं। ड्यू टू दिस वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज एंड आर प्रोवाइडेड विद द एयर दैट वी ब्रीद। और इसी एयर की वजह से, इसी जो एटमोसफेयर होता है, इसी की वजह से हम जो सनरेज होती है उनसे भी हम बचते हैं, और हम जो ब्रीथ करते हैं वो भी एयर हमको इसी से प्रोवाइड होती है। वी वुड बी बेग्ड अलाइव बाय द सन्स हीट ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, कि अगर हमारे पास ये सुरक्षा कवच नहीं होगा तो हम दिन में तो हम बेक हो जाएंगे पूरी तरीके से, और रात में हम बिल्कुल जम जाएंगे। हैंस द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज लिवेबल बिकॉज ऑफ दिस मास ऑफ एयर, इसी एयर की वजह से ही हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमारे रहने लायक होता है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, एटमोसफेयर में क्या क्या, किस किस का कंपोजिशन होता है। तो अगर आप एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमारा 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% जो है वो अदर गैसेस की फॉर्म में होती है। आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द एयर वी इनहेल इज एक्चुअली अ कंपोजिशन ऑफ मेनी गैस, जो एयर, जो कि आप जानते हो कि इसमें बहुत सारी गैसों का कंपोजिशन होता है। द एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ टू गैसेस, हमारा जो एटमोसफेयर है दो गैसेस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन लेजर क्वांटिटीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर ऑल्सो फाउंड। हाँ, और कुछ कम क्वांटिटी में ये दो अदर गैसेज है, इसमें आपके हाइड्रोजन, ओजोन, आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें होती है। टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, कि एयर में छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी मिलते हैं। बिसाइड्स दीज गैसेस, इन गैसेस के साथ ही साथ, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर शोन इन द पाई चार्ट गिवन इन फिगर, इस पाई चार्ट में ये सब मैंने आपको बता दिया है। ओके, द मोस्ट एविडेंट गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन, एविडेंट का मतलब होता है मुख्य, जो सबसे मुख्य गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। वी इनहेल सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन टू अवर लंग्स एंड एक्सेल इट, कि हम नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट अपने लंग्स में लेते हैं और कुछ हम बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन बाय द बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट, कि नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ली जाती है, सॉइल में जो रहते हैं बैक्टीरिया, और प्लांट्स की जो रूट से वो मिट्टी से, सॉइल से लेते हैं प्लांट अपनी रूट के थ्रू, और फिर उसको अलग फॉर्म में चेंज करके प्लांट यूज़ करते हैं। आपको पता है ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि अर्थ के जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द रेडिएटेड हीट फ्रॉम द अर्थ इज क्रिएटेड बाय द एटमोसफेयर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, therefore it is known as a greenhouse gas, तो इसलिए इसको greenhouse air gas के रूप में जानते हैं। and without it the world earth would have been too cold to live in, और बिना इसके earth इतनी cold हो जाएगी कि हम उसमें नहीं रह सकते हैं। moreover when its content increase in the atmosphere due to smoke from factories or car fumes the heat trapped increase the earth's temperature, this phenomena is known as global warming, और जब यही जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है जब ये बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है वो कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, फर्स्ट तो नाइट्रोजन है, अब सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल यानी कि जो मुख्य गैस है वो कौन सी इन द एयर इज ऑक्सीजन, वो कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कि एयर से एनिमल्स और ह्यूमन दोनों ही सांस लेते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू के टाइम पर ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस मैनर ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेंस कंस्टेंट, और इसीलिए जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो वैसे के वैसे रहती है। दिस बैलेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इफ़ वी कट ट्रीज, ये बैलेंस
डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम ट्रीज को काट देंगे। अनदर इम्पोर्टेंट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरी इम्पोर्टेंट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज करते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज क्रिएटेड एज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल्स। जैसे ऑक्सीजन का बैलेंस होता है उसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स। और जो प्लांट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं उतना ही ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कर देते हैं। तो एक तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस बन जाता है। बट द बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन जो ये बैलेंस है जब फ्यूल जलता है जैसे ऑयल है कोल है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। ईच ईयर दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द अर्थ्स क्लाइमेट एंड वेदर। हर साल जो है हज़ारों टन जो है कई हज़ारों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोसफेयर में रिलीज होती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर इज क्लासिफाइड इनटू फाइव लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसको फाइव लेयर में क्लासिफाई किया गया है। इसकी फाइव लेयर्स होती है। फर्स्ट है इसकी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है इसमें भी आप ये सारी लेयर्स देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर ये वाली। ठीक है अब हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर कौन सी वाली। ट्रोपोस्फेयर ये वाली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर रहती है। इट्स हाइट एक्सटेंड अप टू 13 किलोमीटर। जहाँ से लगाकर यहाँ 13 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर। हम जो सांस लेते हैं वो एयर इसी लेयर में होती है। इट इज़ दिस लेयर वेयर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म टेक प्लेस। कि जो भी वो बारिश वगैरह होती है वो सब आपकी इसी लेयर में होती है। ठीक है उसके बाद अगला जो आता है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा आता है? स्ट्रेटोस्फेयर ये वाली लेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली जो है वो इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 13 से 50 किलोमीटर के बीच की जो हाइट होती है ये स्ट्रेटोस्फेयर की होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। यहाँ पर ना कोई बादल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में उड़ते हैं। इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और जो ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर होती है ना वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। ओके अब आपकी आती है नेक्स्ट थर्ड मेसोस्फेयर। देखो मेसोस्फेयर में क्या है। द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज मेसोस्फेयर। कि देखो फर्स्ट वाली जो है उसमें तो सारे जो नेचुरल फेनोमेना होते हैं जैसे रेनफॉल वगैरह है। ठीक है जो एरोप्लेन उड़ते हैं और जो ओजोन लेयर है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में है। थर्ड लेयर जो है वो आपकी मेसोस्फेयर है दैट इज लाइज अबाउट द एटमोसफेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर आती है। 50 किलोमीटर तक तो स्ट्रेटोस्फेयर रहती है। उसके बाद 50 to 80 किलोमीटर तक क्या है आपकी ये मेसोस्फेयर लेयर होती है। ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर। और इसी में मीटियोराइट्स जो है वो इसी में बर्न अप होते हैं। फिर आपकी आती है थर्मोस्फेयर। द टेम्परेचर इन थर्मोस्फेयर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। इसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसी लेयर का एक पार्ट होता है आयनोस्फेयर। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये जो है वो 80 से लगाकर 400 किलोमीटर के बीच में होता है। दिस लेयर इनेबल रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये बहुत ही एक तरीके से फेवरेबल लेयर है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर। रेडियो वेव्स जो अर्थ से ट्रांसमिट होती है वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। फिर आता है आपका एक्सोस्फेयर।
द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। ये जो है सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एक्सोस्फेयर कही जाती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर बहुत ही पतली सी एयर की परत होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन टू द स्पेस फ्रॉम हियर। यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन जैसी गैसें फ्लोट करती हैं। अब आपका आता है वेदर एंड क्लाइमेट।